था, लेकिन पहले जो मैं जिक्र कर रहा था अलग अलग जातियों के लिहाज से अगर देखें तो यह आंकड़ा क्या कहता है वो भी जरा जान लेते हैं। इस सर्वे का क्या इशारा है, सीधे डेटा सेंटर चलना चाहूंगा मैं श्रीन के पास। बिल्कुल अखिलेश, और बात उत्तर प्रदेश की ही करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सी जाति किस पार्टी के साथ जाति दिख रही है, ये डेटा देखिए आपके सामने आ गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम यादव जाति की बात करें तो 18% एनडीए को मिल सकता है इसका वोट, 70% इंडिया गठबंधन के साथ, 10% बीएसपी और अन्य के खाते में 2%। अब जाट जाति की अगर बात करें, जाटों की बात करें तो 59% यहाँ पर एनडीए के साथ, 29% इंडिया गठबंधन के साथ, 11% बीएसपी के साथ और 1% अन्य के साथ जा रहा है। अब जाटव किसके साथ जाते दिख रहे हैं, 26% एनडीए गठबंधन, 19% जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ, 51% यानी कि जो सबसे ज्यादा है वो बीएसपी के खाते में, और साथ ही 4% पर अन्य भी कब्जा कर सकते हैं। अब जरा ठाकुर को देख लेते हैं, ठाकुर समाज किसके साथ जाता दिख रहा है, यहाँ 72% एनडीए के साथ है ठाकुर। इंडिया गठबंधन को 23%, 4% पर बीएसपी भी कब्जा कर सकते हैं और 1% अन्य के खाते में जा रहा है। अब ब्राह्मण देख लेते हैं कि ये किसके साथ जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा 75% एनडीए के साथ, और इसके साथ ही 20% इंडिया गठबंधन, 4% बीएसपी, 1% पर अन्य कब्जा कर सकता है। अब यहाँ आपको कुर्मी का भी हम दिखाते हैं कि कुर्मी वोट किधर जा रहा है, तो यहाँ 44% पर आप देखिए एनडीए जो है वो कब्जा कर सकता है, 41% इंडिया गठबंधन को भी मिल रहा है कुर्मी वोट, और इसी के साथ बीएसपी के पास 8%, 7% का आंकड़ा अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। तो ये जाति वाइज हमने बताया अपने दर्शकों को कि कौन सी जाति किसके साथ यूपी में जाति दिख रही है। अखिलेश, कुल तो जातिवार आपने जो पूरी जानकारी दी है उस पर हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन आरपी सिंह जी पहले उस सवाल का जवाब दे दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी जो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की इस बार आंधी है, आप बचे हुए हैं अखिलेश जी वहां पर स्टूडियो में, उड़ तो नहीं गए कहीं पे क्या? उपाध्याय जी बचे हैं, उड़ तो नहीं गए? इतनी जोर से आंधी आ रही दिख नहीं रही हमको, कमाल हो गई। बद्रीनाथ जी जरा थाम कर बैठिएगा, टेबल और पकड़ लीजिएगा, आलोक जी सुरेंद्र राजपूत जी की आंधी चल रही है, पता लगा कि आप चोरी से ही बाहर चले गए कहीं पे। सर ये कल तक की और बात है, इन्होंने एग्जिट पोल को मानने से मना कर दिया, कल ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, नोट कर लीजिए, कल और परसों दो दिन ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर देंगे, उसके बाद ये एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ेंगे कि अखिलेश यादव के कारण से, लास्ट टाइम हुआ था अखिलेश यादव के कारण से हार के, अखिलेश यादव कहेंगे राहुल गांधी के कारण से हार के, दोनों मिलकर कहेंगे कि बीएसपी ने भीतरघात कर दी, और फिर 10 तारीख के आसपास ये कहीं विदेश में, थाईलैंड वाईलैंड पे कहीं इनके नेता घूमने घूमने चले जाएंगे, कहीं पे थोड़ा आराम आराम करने चले जाएंगे। तो मैं क्या कि इससे आगे कुछ है नहीं, सच ये है कि एक बड़ी जाति आप छोड़ गए, वो है लाभकारियों की जाति। सुरेंद्र राजपूत जी मैंने आपको सुना, टोका नहीं, बिल्कुल आप अच्छे मित्रों में से हो, आप शेर व शायरी भी अच्छी करते हो, पर जो मूल एक बिल्कुल सर, सर सर आप करिए ना, आपको अधिकार है सर, प्रभु की आपके प्रभु की आप पे आपकी वाणी पे कृपा है, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ सर, आप थाईलैंड मुझे भेज रहे हैं, मैं आपको बैंकॉक पटाया भेजूंगा, आप राहुल गांधी को कहाँ भेजेंगे, मैं नरेंद्र मोदी को कहाँ, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ सर, आप मुद्दे की बात पे आइए ना, मैं आपकी भैंस भी नहीं खोलूंगा सर, कोई बात नहीं सर, आपकी जरूरत भी नहीं कि मेरी भैंस खोल पाए, सरदार हूँ और असरदार भी, चिंता मत करिएगा इस बारे में, परंतु जो मूल बात कर रहा था मैं वो ये है कि अरे बाप रे बाप, खुद ही कह रहे मोदी जी ने कहा सर, हम नहीं कहा है, मोदी जी ने कहा है। अरे भैया आपने मेरी भैंस की बात करी तो मैंने अपनी भैंस का उत्तर दे दिया, बाकी तो आपका बस चले तो आप लोगों की जेब काट लें, भैंस को छोड़ देते हैं, मोदी जी कहेंगे तब भी नहीं दोगे, ठीक है। की बात मुद्दे की जो बात है, एक लाभकारियों की भी एक श्रेणी है, जरा उनका भी अगर कहीं हो सके तो आज और कल के बीच में जरा सर्वे करा लीजिए, समझ लग जाएगी आपको, जिन लोगों के घर पे नलका मिल गया, जिन लोगों को सिर पे छत मिल गई, जिन लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल गया, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, जिन लोगों को आज गैस के चूल्हे के साथ गैस का सेंटर सब्सिडी पे मिलने लगा, वो भी एक किसान सम्मान निधि के नाते से किसानों को जो लाभ मिलने लगा, वो भी अपने आप में एक श्रेणी है, और जिन गरीबों को मैं समझ गया सर, आपकी बात समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल लाभार्थियों का जो वर्ग है उसे आप पूरी जाति के तौर पर देख रहे हैं और आपका ये मानना है कि वो आपके साथ है। मैं चर्चा को जो जाति पर सर्वे किया गया उस पर एक बार फिर से ला रहा हूं, और दीपक रंजन जी मेरा सवाल आपसे है, जो मैं थोड़ी देर पहले भी सवाल पूछ रहा था, ये आंकड़े जब मैं देख रहा हूं तो यादव जाति से जो लोग हैं, यादव जाति के जो लोग हैं 68.9%, लगभग आप 70% कह लीजिए, वो आपके खेमे की तरफ जा रहे हैं यानी इंडिया अलायंस की तरफ, और बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लगभग 19%। इसके अलावा एक जाति है काछी, उसके 41% वोटर्स आपके पास जा रहे हैं, और
इंडिया अलायंस की तरफ 54%, माफ करिएगा, और बीजेपी की तरफ जा रहे हैं 30%। बाकी किसी भी जाति के लोग आपकी तरफ जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय आरपी सिंह साहब, हमें लगता है कि अभी भी चुनावी भाषण दिए चले जा रहे हैं। उनको शायद ये नहीं लग रहा है कि कल जो है चुनाव परिणाम आने वाला है, जो चुनाव परिणाम इनके विपरीत आने वाला है। ये 2029 की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2024 में तो इनकी सरकार कहीं बन नहीं रही है। और देखिए, रहा सवाल जातियों का, समाजवादी पार्टी सभी जाति का सम्मान करती है, सभी समाज को लेकर के चलती है। और ना अखिलेश जी, ना गरीबों की कोई जात होती है, ना नौजवानों की कोई जात होती है, ना छात्रों की कोई जात होती है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, समाज ऐसा ही होना चाहिए, समता मूलक समाज, जातियों में नहीं बटा होना चाहिए समाज। लेकिन अगर इसी तरीके से परिणाम आते हैं, जो कि सर्वे इशारा कर रहा है, तब तो एक बार फिर से आप लोगों पर ये आरोप लगेगा ना, जो लोग इल्जाम लगा दिया जाता है कि यादवों की पार्टी से। हाँ अरे अखिलेश भाई, मेरी बात तो आ जाने दीजिए, लेट मी फिनिश, मेरी बात खत्म हो जाने दी, उसके बाद आप। तो मैंने कहा कि देखिए, आज महंगाई की मार, क्या सवर्ण और क्या बैकवर्ड और क्या एससी और क्या एसटी कौन नहीं झेल रहा है? आज बेरोजगारी की मार कौन सा वर्ग नहीं झेल रहा है? पर्चा लीक हुआ तो क्या 60 लाख जो उसमें थे, उसमें जिन जातियों को आपने रखा है, क्या इन्हीं जातियों के लोग थे उसमें? सारी जाति, सारे समाज के लोग उसमें थे या नहीं थे? तो आज भी उस हिसाब से वोट दे रहा है, जो 10 साल के इनके कुशासन से जो त्रस्त है जनता, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बेरोजगार हो। देखिए, आज की तारीख में जो चुनाव हुआ है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई को लेकर के चुनाव हुआ है, और इसकी मार सभी समाज ने झेला है। ठीक है, आप बताइए, जो बेरोजगार हुआ है, बेरोजगार को आप जातियों में बांट सकते हैं? ना हम बांट सकते हैं, ना आप। तो आपका मानना है कि जातियों में, जातियों के खांचे में समाज नहीं बांटा जब वोटर्स गए हैं मतदान केंद्र पर? लेकिन सभी को यह पता है कि कहने के लिए तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, समाज होना भी ऐसा ही चाहिए, वहां पर जातियों का ये भेद ना हो, लेकिन हकीकत यही है राजनीति में कि सब कुछ जाति के इर्द गिर्द ही घूमता दिखता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।